हेलो गाइस, बियर एंड ग्रिल्स में आपका स्वागत है। ये हमारा एपिसोड नंबर कितना बोल सकते हैं? देखो, हम अभी ऊंचाई पे, वहाँ पे जाना है, टॉप ऑफ द लाइन। ठीक है, चलो चलते। तो भावड़े हमें गाइड कर रहा है कैसे जाना है, और ये मतलब बहुत दिनों तक मेरा सपना रहा था कि यहाँ पे जाना है। बट एक्चुअली सीन क्या हुआ, इतने साल के बाद मेरे को मौका ही नहीं मिला एंड आज मिला है। देखो, ऊंचाइयों पे अब यहाँ से जाना है। ठीक है, देखते कैसे जाते हैं। कठिन है रास्ता, बट आपके लिए वापस चले जाएंगे गाइस कहाँ पे। और ये हम अवगड़े। अच्छा, मोबाइल ना, एक मिनट मोबाइल पकड़। मौत को छूने के, देखो किधर किधर तक गए हम लोग। मौत को भी टच कर सकते हैं आज। इसको पकड़िए, दगड़ने को तो आ। अरे दगड़ निकल गया, देखो आप देख सकते हो। तो हमें भरोसा मत करो। सो देखो, ऑलमोस्ट हम टॉप पे पहुंच गए और यहाँ से वो नज़ारा। चलो चलते हैं और आगे। और स्पेशली तो बहुत दिनों तक कोई व्लॉग ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अभी हूँ रेस्ट पे। मतलब एक्चुअली मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह थे, पर्सनल बहुत काम था, इसीलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर रहा था। एंड हड़ूच, एंड अभी तो हम जाएंगे ऊपर, देखते हैं कहाँ तक ये पहुँच गए। ऑलमोस्ट तो पहुँच गए हम लोग। ऑलमोस्ट मैं किसी भी कंडीशन में शूट कर सकता हूँ। ऑडियो क्वालिटी के लिए ना, एक्चुअली मैं माइक और मेरा जो ये था ट्राईपॉड, वो टूट गया। तो माइक और ट्राईपॉड लेना है जल्दी। और गाइज, हम लोग अभी भी डिस्टेंस थोड़ा बाकी है, बट हम राइट नाउ इतनी ऊंचाइयों पे हैं। तो हम लोग वापस टोटल टॉप पे आ चुके हैं। क्यों और बाकी है भावड़िया? अच्छा, यही टॉप है, वो आगे तक नहीं जाएगा रास्ता। चलो फिर चल। देखो ऊंचाइयां, अगर यहाँ से भी गिर गए तो भी मौत हो सकती है, इस साइड में तो हो ही जाएगी। ओके चलो चलते। तो देखो, हम टॉप पे तो पहुंच गए एकदम, बट अभी तक हमारा मन नहीं भरा, क्योंकि जब तक मतलब मेरे फैमिली वैसे बस यही तक आए हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि वो वाला जो सामने वाला पहाड़ है वहाँ पे जाने का। देखते चलो चलते। हाँ तो अभी देखो गाइस, बहुत हाइट है ये। हाँ मैं बता रहा था कि ये व्लॉग है ना, ऐसा ही टाइम पास में बना रहा हूँ। पता नहीं कि वो आएगा नहीं आएगा, बट तब भी देखा जाएगा। पोस्ट प्रोसेसिंग में अगर अच्छा बन गया तो फिर आ जाएगा, अगर नहीं बना रहन दो फिर। मुश्किल पड़ाव यहाँ पे भावड़ा ढूंढ रहा है कि रास्ता कहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नीचे जा रहा है क्लिफ। देखते कहाँ है रास्ता, और भावड़ा ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। रिस्की है जगह, बट कोई ना। क्या लगता है भावड़ा, हम जा पाएंगे? अगर यहाँ से उतरे तो डायरेक्ट नीचे जाएंगे। देखो देखते चलो, अगर भावड़े उतर गया तो हम तो उतर ही जाएंगे। ओ तो बियर गर्ल्स में आपका स्वागत है गाइस। बहुत ज्यादा जर भावड़े, बहुत ज्यादा पत्थर गिर रहे होंगे तो नहीं जा पाएंगे, कि ऑलमोस्ट उतर गया। अरे भावड़े की बहुत मेहनत चल रही है, कैसे तो भावड़ा उतर ही जाएगा, और ये उतर गया। चलो अभी हमारी बारी है, देखते कैसे उतरना। अभी क्या करें, मैं शूट करूँ कि फ़ोन रख दूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। बट ये माहौल बहुत तगड़ा है, तो शूट करना तो बनता है। देखो एकदम, इस बार मैं धीरे से उतर रहा हूँ, क्योंकि क्लिफ का पता नहीं कुछ, और कैसे मैं उतर जाऊँगा पता भी नहीं चलेगा। चलो चलते हैं। कैसे दाँता दाड़क लग रहा है यहाँ पर, रिस्क है, बट रिस्क है तो इसके गाइस। और ये स्टंट आप घर पर भी दोहरा सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा। यहाँ पे पहुँच गया, अभी यहाँ से या अभी यहाँ पे आते। देखो बहुत पत्थर गिर रहे गाइस, बोल रहा हूँ रिस्क है, बट कोई ना, हम पहुँच गए ऑलमोस्ट। और एक तो मस्त वाले सैंडल पहन के आया मैं, अच्छा हो तभी, ये सैंडल बहुत अच्छे है, वरना ना वो स्लीपर ना जिसमें ब्रेक ही नहीं है,
ऑलमोस्ट भावड़े के यहाँ पहुँच गया। भावड़े फोन पकड़, मेरे को दिखा। आ गए, चलो डन। अभी ये जो क्लिप था देखिए गाइस, बहुत ऊपर क्लिप था। बियर गर्ल्स में आपको वापस स्वागत बोल रहा हूँ। ब्रेक के बाद देखते हैं अभी क्या करना है। चलो शायद से ये आज मैं व्लॉग बनाऊंगा 10 मिनट का, बन जाए तो। क्या है बॉडी रिस्क है कि स्लिप हो रहा है? ओके, हम भी स्लिप हो रहे हैं तो हम आराम से जाएंगे एकदम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये मेरा आखिरी व्लॉग हो। हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। और बस मैं तो यही इच्छा करूंगा कि भावड़े की सैंडल ना टूट जाए। सैंडल का कुछ नहीं इतना, बट रिस्क फोन। सैंडल अगर टूट गए तो रिस्क है, क्योंकि एक ही वो सहारा है हमारा इतने इसमें रास्ते में। ओके, भावड़े हमारे आगे है, क्योंकि भावड़े यहाँ का रोज का आना जाना है, तो भावड़े तो एकदम स्मूथली आ जाएगा। चलो चलते हैं, हाथ हम एकदम आराम से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ से हम गिर गए तो मम्मी को क्या जवाब देंगे, इसलिए हम रिस्क ले एकदम आराम से उतरते हैं। अगर जान मतलब कल अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो यहीं से कूद जाते। तब भी हम पहुंच गए। ओके, भावड़े तो देखो भागते हुए जा रहा है गाइस, देख सकते हो आप। चलो अभी भावड़े ब्रेक तो लग जाएगा ना। अरे भावड़े पहुंच गया। चलो अभी हम भी चलते हैं। वो कैसा लगा अगर आज ट्राईपॉड होता ना साथ में तो और मजा आता, बट कोई ना, ट्राईपॉड नहीं है, माइक नहीं है, ये एकदम रॉ व्लॉग बनेगा। हम भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट पता नहीं मेरा ब्रेक लगेगा कि नहीं, बट कोई ना, इजी है एकदम, इजी। भावड़े क्या कर रहा है? ओ भावड़े कूद गया। चलो देखते कहाँ से कूदा है भावड़े, हम आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक क्लिफ ना, ना थाम ना, बहुत ना रिस्क है तो इसके ना। ओ तो भावड़ा यहाँ से कूद गया था, कूदने में हम भी एक्सपर्ट है, बस फोन बज जाए मेरा। एक काम करते हैं, हम यहीं से कूदेंगे, इतना तो प्लान है, बट फोन उसको देंगे भावड़ा। हम कोई रास्ता हम नहीं छोड़ते, मतलब चुकते। और आज का व्लॉग कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है गाइस, मतलब पहले के भी नहीं थे, आज का तो ज़्यादा ही रॉ बन गया, अनप्लान। शायद से डाल देते यूट्यूब पे, तो बहुत दिनों तक तो व्लॉग नहीं गया है। कितना बजा है? 5:30। दिखाओ 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 जरा। ओके 5:30 बज गया है गाइस। सो हमारा भी डेस्टिनेशन ये वाला पहाड़ है, देखते क्या करना है, क्या करें, चले। ओके, भावड़े को प्रॉब्लम नहीं तो हमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आधे घंटे में हमें पहुंचना है गाइस, मतलब देखते हैं पहुंच जाएंगे। एकदम फास्ट, और ये हम इतना बड़ा पहाड़ भाग के चल रहे हैं। पता नहीं गाइस कितना स्टेबल आ रहा है वीडियो, बट मैं क्वालिटी ढूंढ रहा हूँ 4K की, इसीलिए थोड़ा अनस्टेबल भी आया तो भी चलेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ट्राइपॉड लेना चाहिए कि एक्शन कैमरा, इतना एक्शन तो कर रहे हैं। और ये भी व्यू, चलो हमने रिकॉर्ड तोड़ा, ऐसा नया बना दिया, थोड़े से थक गए बट कोई ना, क्योंकि ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलता, इसीलिए हम कर लेते हैं कुछ भी। आज अच्छा कार्डियो हो गया गाइस।
बहुत घास ग्रासी एरिया आ गया है, बट कोई ना, चलते रहते, रुकना नहीं है। और ये वो गया पत्थर नीचे, हम यहाँ से चलेंगे। और कितना है भावड़े? बस थोड़ा दूर, कोई ना, टाइम कवर कर लेंगे हम। चलो अभी गाइस क्लिप बड़ी ना हो जाए इसलिए। ओह नहीं नहीं, ये व्यू तो बहुत सही है। ये तो बराबर, ये व्यू के लिए तो वर्थ इट है। बैकग्राउंड देख सकते हो, इस साइड में सनसेट हो रहा है अभी, नीचे तो खेती खेती। और ये देखो, चलो क्या भाड़ा, रेस्ट लेने का प्लान? ओके, भाड़ा नहीं रेस्ट लग रहा तो हम क्यों ले, चलो चलते। अभी देखो ये जो सामने वाला पहाड़ है, वहां से हम यहाँ तक आ गए, थोड़ा ही बाकी है, पहुंच जाएंगे ये भी टच। फिर उतरने का प्लान तो पता नहीं कहाँ से जाना है, देखते हैं कहाँ से उतरना है, भावड़ा गाइड कर देगा। चलो भावड़ा चलते कि रेस्ट ले, नहीं हम रेस्ट नहीं ले रहे गाइस, अगर क्लिप कट भी हो जाए समझ लेना रेस्ट नहीं है ये, वो वीडियो क्लिप ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए, बाद में एडिट करने को मेरे को तकलीफ होती है। ऑलमोस्ट वी आर देयर गाइस, और ये हम पहुंच गए टॉप पे। टॉप बड़ा सुना सुना लग रहा है, और भावड़ा की जानकारी से मुझे इतना पता है कि उस साइड में लेपर्ड्स भी होते हैं, बट कोई ना, चलते रहने का, डरना नहीं है। ये एकदम ऐसा क्लोज टू बियर गिल्स वाला वाइब दे रहा है। चलो देखते हैं। देखो गाइस, यही प्रॉब्लम होता है जब हमारे पास वाइड लेंस नहीं होती, और ये व्यू वाले ने सारे फ़ोन में वाइड लेंस है, बट खाली मेरे फ़ोन को छोड़ के, बट कोई ना, इसीलिए हम सेल्फी स्टिक मतलब ट्राईपॉड और माइक लेने वाले, जिससे ऑडियो क्वालिटी बढ़ जाए। हम ज़रा एडवेंचर भरा, मुझे एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम ऐसी जगह पर जाएंगे, बार बार जाएंगे। बट अभी मैंने सोचा है कि दो ब्लॉक लाइनअप है, और ये हम पहुंच गए हैं थोड़ी जगह, देख सकते हैं आप, और टॉप पे पहुंच गए। मेरा थोड़ा सा ठीक है फेस, ओके लॉक हो गया एक्सपोजर, मतलब अभी किसी भी हालत में हिलेगा नहीं, अच्छा है। तो भी यार टॉप पे, सो गाइस अभी पता नहीं ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट ठीक है, हमारा डेस्टिनेशन बहुत पीछे छोड़ दिया हमने, और बहुत आगे आ गए हम लोग। ये फ्लावर की वजह से अच्छा दिख रहा है, ये फोरग्राउंड में आ गया, मैं मिड ग्राउंड, ये बैकग्राउंड। अरे क्या गिरा, छोड़ो अभी देखते कितने, अभी कितना हो जाए, ओके ऑलमोस्ट 6 बज गए गाइस, अभी सनसेट होने से पहले तो हमें घर जाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले सच चिल्लाएंगे ना। Sometime later. डायरेक्ट ऐसा सीधा क्लिफ नहीं चाहिए, थोड़ा उतर सके ऐसा। देखो हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से जाना है वापस घर पे, और ये देख सकते हो, अच्छा देखते जो जल्दी हो घर, जल्दी जब पे ऐसा रास्ता ढूंढ ना, तो चलो, क्योंकि देखो घर पे मम्मी चिल्लाएगी, ये बियर गर्ल्स को भी डर रहता है, और अगर मेरे स्कूल में से कोई स्टूडेंट देख रहा है इस ब्लॉग को, हाँ गाइस देखो मैं बहुत सा सन की दिमाग का आदमी, कुछ भी कर लेता हूँ, बट मम्मी घर पे चिल्लाएगी, इससे पहले जाना पड़ता है। और मैंने जो होमवर्क दिया था और एग्जाम के तुम लोग के पेपर, मैं बाद में घर गाँव से आने के बाद चेक करूँगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी चढ़ना टास्क थोड़ा इजी था, उतरना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पैर ज़्यादा स्लिप होता है इस हालत में, देखते चलो, क्योंकि और प्लस इसमें यहाँ पे घास भी बहुत है,
तो घास में दिखेगा भी नहीं कहाँ रखना है पैर, बट कोई ना। चलो ये सारी क्लिप हो जाएगी, दो दो से तीन जीबी। पिछला जो ब्लॉग था गाइस पता है 6 जीबी का था, सॉरी 10 जीबी का, पहले बार अपलोड नहीं हुआ, सेकेंड टाइम किया तब भी अपलोड हुआ, बट व्यूज ही कम आए, क्या करें। बट कोई ना, हम हार मानने वाले से है नहीं। देखो भावड़ा तो चला गया वहाँ, दौड़ दौड़ के पहुँच गया। चलो हम भी चलते हैं। और ये अभी हम ऑलमोस्ट नीचे आ चुके हैं, वो पहाड़ छोड़ो, हम वहाँ से जाने वाले हैं। ये जो ये रास्ता दिख रहा है आपको, शायद से नहीं दिख रहा होगा, रुको मैं दिखा दो। हाँ ये वाला जो रास्ता है, ठीक है, जहाँ पर मेरी उंगली, उस रास्ते से हम जाएंगे चल के। एंड अभी बीच में मंथन का कॉल आ गया था एडमिशन से रिलेटेड, और इतने हम ऊपर होने के बाद भी मैंने उसका कॉल अटेंड किया और उसको सब बताया क्या क्या करना है। अभी देखते चलो, अभी आगे मैं उतरता हूँ। दिनों से ब्लॉग नहीं आया ना, इसलिए आज ऐसे ही चलते चलते ब्लॉग बन गया। ये मोस्टली अभी जाएगा यूट्यूब पे क्योंकि मेरा मन हो गया। क्या हो गया? और ये भावड़ा कुछ तो खतरनाक चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। भावड़ा देखो नीचे बिच्छू भी हो सकता है, कोई ना छिटक ले। भावड़ा कुछ भी प्रयत्न कर रहा है बट कोई ना, देखते क्या कर रहा है। भावड़ा को देना है ढकल के, पता नहीं भावड़े ने आते वक्त भी बहुत सारे पत्थर ऊपर से नीचे फेंक दिए, और ये भी फेंक रहा है। भावड़े इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे ही फेंक रहे हो? नहीं जाएगा वो ज्यादा क्योंकि वो गोल नहीं है थोड़ा, कोई ना दूसरा पत्थर हम फेंक देंगे। देखते 4K वीडियो, नहीं कुछ नहीं है। और ये गया रोल होते होते, ओके वहाँ एंड हो गया। चलो कोई ना चलते। और गाइज हम लोग उतर रहे थे, और देखो यहाँ पे एक हमें छोटा सा झोपड़ी मिल गया, मस्त है, झोपड़ी भी मजबूत है, सही है। चलो चलते आगे। ओके तो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि हम पहुंच गए अभी नीचे, अभी कुछ दिखाने जैसा रहा नहीं, तो चलो। सो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। फॉर मोर व्लॉग्स डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।